वेलकम बैक टू माय चैनल पारुल पाठक विशाखापट्टनम। और गाइस फिर आई हूँ एक न्यू पोएम लेके, जो है आपको सुनाती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे। जो दूर है माना मिला नहीं, जो पास है वो खोता रहे। सब जाग रहे तू सोता रहे, लहरों पे मोती चमक रहे। झोंके भी तुझ तक सिमट रहे, ना तूफान कोई आने वाला। सब तह तक गोते लगा रहे। लहरों तेरी कदमों में है, तू नाव पकड़ बस सोता रहे। किस्मत को तू रोता रहे, किस्मत को तू रोता रहे। तो कैसा लगा आप बताइएगा ज़रूर गाइस। और मेरी प्यारी बहनों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरे जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे बस यही निवेदन है कि प्लीज़ हम लोगों को सपोर्ट कीजिए। और कहते हैं ना कि लाल लिपस्टिक लगा के तो हर कोई बैठ जाएगा, आपको देखेगा तो बोलेगा कि हाँ भाई अट्रैक्टिव है, इसका तो ब्लॉग देखना चाहिए। लेकिन मैं मेरे ब्लॉग में वही दिखाती हूँ जिस तरीके से मैं रहती हूँ। तो बच्चा जब छोटा होता है और जब खुद की तबीयत ख़राब होती है, हेल्थ इशू होते हैं, ना ही सजना अच्छा लगता है, ना ही संवरना। बस मैं जो ब्लॉग बना रही हूँ ये मेरे एक रूटीन में आ गया है। मैं तो यूट्यूब जब से शुरू हुआ तब से बहुत सारे ब्लॉग्स देखती हूँ गाइस, लेकिन हिम्मत नहीं हुई थी। लेकिन कहते हैं ना कि कोई थोड़ा हमें आगे पुश करता है, धक्का लगाता है, तब हम उसके अग्रसर मतलब होते हैं। तो मुझे भी किसी ने कहा, मैं भी पेंटिंग मैं कोचिंग लेती थी शादी से पहले, मैंने स्कूलिंग भी करी है, पढ़ाया भी है, ट्यूशन्स भी ली हैं, डांस भी सिखाए हैं, मैंने एमए पेंटिंग से किया है, एमए इंग्लिश से किया हुआ है, बीएड किया हुआ है, बीएड मैंने गुजरात से किया गाइस। और टीचिंग मैंने शादी के बाद शादी से पहले की थी और शादी के बाद भी की, लेकिन इसके बाद कोरोना आ गया तो मेरा बंद हो गया। तो कहते हैं ना कि जो चीज़ हम बंद कर दें या जो चीज़ हम रख दें तो हमारा कॉन्फिडेंस कम होता जाता है। तो मैं उन्हीं सभी सिस्टर्स से या ब्रदर्स से ये कहना चाहूँगी कि गृहस्थ जीवन एक संन्यास जीवन जैसा है, लेकिन कभी हार नहीं माननी चाहिए, हमें पुनः उठना चाहिए, कोशिश करती रहनी चाहिए। बस सब्र का फल मीठा होता है और भगवान ज़रूर देगा।